हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 5। ठीक है, तो हमारी इस श्रृंखला का ये पांचवा वीडियो है दोस्तों। आज हम इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आधुनिक और समकालीन चित्रकार के चित्रों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, और हर एक प्रश्न का दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा, निम्न में से कौन घाव वुंड से श्रृंखला से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है, सोमनाथ होर है, रामेश्वर बूटा है, जोगेन चौधरी हैं या भूपेन कक्कर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा सोमनाथ होर। ठीक है, सोमनाथ होर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम सोमनाथ होर जी के अन्य जो चित्र हैं उसको हम लोग देख लेंगे। द जर्नी, द चिल्ड्रन, पीजेंट मीटिंग, मदर विथ चाइल्ड, कंपेनियन, रेकलिंग वूमेन। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये सब चित्र हैं किसके, सोमनाथ होर जी के। ठीक है, एक बार दोबारा दोहरा लेंगे, सोमनाथ होर जी का चित्र क्या क्या है, द जर्नी, द चिल्ड्रन, पीजेंट्स मीटिंग, मदर विथ चाइल्ड, कंपेनियंस, रेक्लिनिंग वूमेन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृत है? वुमेन ऑन रिक्शा दोस्तों आपको सही आंसर बताना है, रैब मेहता जी होंगे, अर्पिता सिंह हैं, के हब्बर है, रणवीर केला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा तैयब मेहता। ठीक है, तैयब मेहता ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों तैयब मेहता जी के जो भी महत्वपूर्ण इनसे संबंधित जो भी चित्र है उसको देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन चित्र बनाया है। डायगनल्स, श्रृंखला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काली और फॉलिंग फिगर, अधोगामी आकृति, सेलिब्रेशन, ट्रिप्टीज, महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी, विकर्ण बनाया है, शांति, निकेतन, ट्रिप्टीज। ठीक है दोस्तों, ये इनके क्या है, प्रसिद्ध है आपके चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जल कुमुदनी, वाटर लिली किसने चित्रित किया है? ऑप्शन दिए दोस्तों, शक्ति वर्मन, मंजीत बाबा, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ए रामचंद्रन और जतीन दास। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा आप बताइए, शक्ति वर्मन होगा कि मंजीत बाबा होगा कि ए रामचंद्रन होगा जतीन दास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए रामचंद्रन। ठीक है, ए रामचंद्रन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्या है, जल कुमुदिनी वाटर लिली का चित्रण ए रामचंद्रन जी ने किया है। ठीक है, हाँ दोस्तों इनसे संबंधित जो भी और भी चित्र हैं उसको देख लेते हैं। ययाति श्रृंखला का इन्होंने चित्र बनाया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, उर्वशी, पुरुर्वाज एंड लोटस पॉन्ड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, चमेलियन एंड द बटरफ्लाई, हन्ना एंड हर गेट्स, राम किंकर बैच रेखांकन किए हैं, कंचन ट्री एंड द ड्रैगन फ्लाइज, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना। दोस्तों ये क्या है, ए रामचंद्र जी का महत्वपूर्ण चित्र है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाला चित्र किसने निर्मित किया था? गुलाम मोहम्मद शेख ने, वी रमेश ने, के जी सुब्रमण्यम ने, नीलिमा शेख ने।
तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा गुलाम मोहम्मद शेख, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुलाम मोहम्मद शेख के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उसको देख लेते हैं। निहारिका दोस्तों, निहारिका इन्हीं का है, प्रसिद्ध है। एक अचंबा देखा रे भाई, कहत कबीर श्रृंखला इन्हीं का है महत्वपूर्ण। कश्मीर किसका, द ट्री ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलती सड़क, शहर बिकाऊ है, मेघदूत, ठीक है दोस्तों, ये इनके क्या है प्रसिद्ध आपके चित्र हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। निहारिका, एक अचंबा देखा रे भाई, कहत कबीर श्रृंखला, कश्मीर किसका है, द ट्रीज ऑफ लाइफ, बोलती सड़क, शहर बिकाऊ है, मेघदूत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, बंदर और कंचन पेड़ का चित्रण किसने किया है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, आपको बताना है सही जवाब। राम कुमार, ए रामचंद्रन, एन ए रिमजन या बी सी सान्याल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ए रामचंद्रन, ठीक है, ए रामचंद्रन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेरेमनी ऑफ द अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया दोस्तों, आपको बताना है। शांति दबे हैं, अनूप सूद हैं, विमान सुंदरम है, लक्ष्मा गौड़ है। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है दोस्तों। तो दोस्तों छठवें का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा अनुपम सूद, ठीक है, अनुपम सूद इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुपम सूद जी का कुछ महत्वपूर्ण चित्र को देख लेते हैं। यू, डायलॉग वन, फायरफ्लाई, मिसिंग नोट, द हाउस, संयोजन, संवाद श्रृंखला, द जोडिमक साइन अंश, आटम ऑफ द वॉल, ठीक है, ऑफ द वॉल। तो ये जी क्या है प्रसिद्ध क्या है आपके चित्र हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा, टोरसो दोस्तों, टोरसो जो मार्बल में बना है कि मूर्तिकार है कौन है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद हैं, पीटी रेड्डी हैं, नागजी पटेल हैं, जय महिवासी हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा नागजी पटेल, ठीक, नागजी पटेल यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। उर्वशी एन पुरवा, ठीक है, जो कि टैल माध्यम बना है, कहाँ संग्रहित है, कुमार गैलरी में। ठीक है, तो किसका चित्र है दोस्तों, गोपाल घोष जी का है, बाबूजी शिल्पी का है, दर्शन बिंद्रे का है, ए रामचंद्रन जी का। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ए रामचंद्रन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब बन रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग इस सभी प्रश्नों का कमेंट में जवाब देते रहिए दोस्तों। किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ की स्मृति रिमेंबर्स ऑफ द वॉइस का निर्माण किया है, ऑप्शन है वी रमेश ने, नलिनी मालिनी ने, चिंतन उपाध्याय ने, वासन कोल्लेरी ने। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा वी रमेश ने यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये क्या कह रहा है देख लेते हैं। मनपुरा आइलैंड जो कि स्याही और वास प्रिज्म बनाया गया है, तो इस प्रश्न का आपको सही आंसर देना है क्या हो जाएगा दोस्तों। मनपुरा आइलैंड तो क्या हो जाएगा, जॉर्जी किट होगा या जैनुअल आबेदीन होगा या एल हल्दनरकर होगा या पेस्टोनजी बोमानजी होगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा आबेदीन, ठीक है, मैनपुरा आइलैंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है। तो
यदि आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।